I never ever thought के इतना बड़ा accident होगा and I'll get to witness it. तो वैसे तो व्लॉग करने को बहुत सारा है. मॉम एंड डैड स्पेशली आस्क्ड मी टू टेल यू हाउ माय एक्सपीरियंस वाज डिफरेंट इन ड्राइविंग ऑन द हाईवे वर्सेस इन द सिटी. आई हैव बीन ड्राइविंग इन द सिटी फॉर सो लॉन्ग, ओवर 3 or 4 years नाउ. डज नॉट मीन दैट हाईवे इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक. बहुत सारा है मेरे को इसके बारे में बोलने. हाय, वेलकम टू द स्टोरी टाइम ऑफ द वर्स्ट एंड द बिगेस्ट एक्सीडेंट ऑफ माय लाइफ. आई हैव टू आस्क डैड कि उनकी लाइफ का भी ये सबसे वर्स्ट एक्सीडेंट है कि नहीं. आई नाउ लुक काम एंड काइंड ऑफ कलेक्टेड, बट When it happened, you are all shaken up. धुआ निकल रहा था गाड़ी में से. Mom and Dad impromptu plan बनाए कि let's go to Nashik. I live in Mumbai, तो Nashik is just around 3.5 to 4 hours from where I stay. Which is beginning a very important trip. First time life में मुझे 6 घंटे तक driving. ऐसा उसको लगता है? मैं उधर जाऊंगी बीच में से. So we are going to Nashik. Very spontaneous idea. कल ही सुबह सुबह इनको मन हुआ और बुक किया है. We had these vouchers for Taj का resort. We decided, चलो let's go. Dad का shoulder injury ही था. पूरा inflamed हो गया था muscle. He was not allowed to move. The only condition I put was, if we are going, I'll drive. I don't want Dad to drive and be in pain because of a trip. Trip is supposed to be for fun. And they agreed. हेली के पापा के 50 years में first time ये trip में वो सिर्फ side पे बैठेंगे. वो drive नहीं करेंगे. First time आप इतना drive कर रहे हो. इतना लॉन्ग ड्राइव पे पहली बार लेके जा रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि जबरदस्ती हमने स्थान छीना है. तो पापा को शोल्डर में पेन है इसलिए उन्होंने अग्री किया है, नहीं तो मुझे रत्नागिरी करते थे. पर सब चीज की डेस्टिनी होती है. कैसा लग रहा है? फर्स्ट ट्रिप आपका है जिसमें फुल ट्रिप आपको साइड पे बैठना है, ड्राइव नहीं करना है. मैं एंजॉय कर रहा हूं. एक घंटे बाद अपडेट करेंगे कैसा लगा पैसेंजर्स को. यू आर ऑल अ लिटिल नर्वस बिकॉज मैंने कभी ऐसे हाईवे पे ड्राइव नहीं कराया. मुंबई हाईवे पे तो पूरा टाइम मैं चले जाती हूँ. इट्स नॉट इवन कंपेरेबल टू द मुंबई नाशिक वे. आई वॉज स्लाइटली नर्वस, बट इन द फर्स्ट 1.5 hours मैं इतना सेटल हो गई कि डैड ने मुझे वॉर्न भी किया, लिसन यू गेट इट टू कम्फर्टेबल. ओवर कॉन्फिडेंस की जगह नहीं होगी ड्राइविंग में. सो मिस्टर वेद, आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी मिस वेद ड्राइव कर रही है. आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? यस, सेटिस्फाइड. मिस वेद, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है. I'm proud of both of you. आगे देखिए अभी क्या होने वाला है. पिक्चर अभी बाकी है. मेरे को मजा आ रहा है. And it's just 2-3 hours more. And मुंबई ट्रैफिक में आदत होती है इतना चलाने की. आपका कंफर्टेबल आउटफिट? यस. चलो, ऑल द बेस्ट. फर्स्ट लेग ऑफ द ड्राइव वेंट सुपर. हम ब्रेकफास्ट करने भी खड़े रहे, वॉशरूम के लिए भी खड़े रहे. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड दिस होल थिंग स्टार्टेड राइट आफ्टर आवर सेकंड ब्रेक. वी गो बैक ऑन द हाईवे एंजॉयिंग द म्यूजिक. वी लाइक, क्या मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है. सडनली डैड एंड आई सॉ एक साथ के आगे वाली गाड़ी ने मार दिया है ब्रेक. एंड माइंड यू, वी वर ऑल अराउंड 100 का स्पीड. जैसे ही आई सॉ उस गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा है, मैंने भी तुरंत ब्रेक मारा. आर कार्स टच्ड बट ठुकी नहीं. बट 5 seconds later, पीछे की गाड़ी से जोर से इंपैक्ट आया, पूरी गाड़ी हिल गई. डिक्की तो खुल भी नहीं रहा है. I'm so scared in the moment, not in general. मुझको रोना नहीं, मुझको रोना नहीं. I was sitting on the driver's seat. Dad was next to me and mom was sitting पीछे. Mom आगे आके टकराई जोर से, hurt her nose. फिर धुआं निकलने लगा गाड़ी से. I thought कि कार ब्लास्ट होने वाला है. I panicked. Mom lost her cool. We were like, फटाफट गाड़ी से उतरो, what if this blasts? And dad got angry at this. He's like, you will not get to travel or drive if you panic in these kind of situations. He scolded me. Panic से काम नहीं होता, रुक जाओ एक बार. He analyzed from within the car only कि धुआं पीछे की गाड़ी का है. Got down, he checked. Like it didn't look like it was gonna blast. तो फिर शांति से ऑल द कार्स इन्वॉल्व्ड वेंट टू द लेफ्ट. व्हाट आई मीन बाय ऑल द कार्स, मेरे आगे की कार, कि आगे की कार ने ब्रेक मारा था. नोबडी नोज कि वो बंदे ने ब्रेक क्यों मारा. उसने हाईवे पे सडनली ब्रेक मारने को डिसाइड किया, व्हिच इज लाइक नेवर अलाउड. एंड देन द कार अहेड ऑफ मी हैड टू ब्रेक. आई हैड टू ब्रेक बिकॉज़ द कार अहेड ऑफ मी हैड टू ब्रेक. देन द कार बिहाइंड मी ब्रेक, व्हिच वी एक्सीडेंटेड इनटू. एंड द कार बिहाइंड इट आल्सो ब्रेक. सो वी वर 5 cars इन्वॉल्व्ड इन दिस हाईवे एक्सीडेंट. इट वाज स्कैरी. इट वाज सुपर सुपर स्कैरी. मेरे पीछे जो कार थी उसको तो आई थिंक बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है. मेरे आगे की गाड़ी ने सडनली ब्रेक मारा, मेरे आगे की गाड़ी बच गई, पीछे की गाड़ी का तो ठुकी गया मेरे गाड़ी. फर्स्ट कार हु वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस रैन अवे. फोर ऑफ अस वेंट टू द लेफ्ट. वी ऑल चेक्ड अप ऑन ईच अदर. एवरीवन वाज डूइंग फाइन. वी ऑल टुक फोटोज ऑफ ईच अदर्स कार टू सेंड टू आवर इंश्योरेंस कंपनी कि दिस इज प्रूफ दैट द एक्सीडेंट हैपेंड. मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे
सारे वो सीन पूरा याद करके आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी कि आई डिड हैव द करेज टू ड्राइव अगेन एंड आई वाज नॉट ब्लेमिंग मी. अगर मैं पहले वाली हेली होती ना तो मैं शायद खुद को ब्लेम करती कि मैंने कुछ गलत किया है वगैरह वगैरह, बट आई वॉज एबल टू कंट्रोल आवर कार एंड नॉट रैम इट इनटू द कार अहेड ऑफ मी. आई कुड नॉट प्रिवेंट द कार जो मेरे पीछे थी फ्रॉम एक्सीडेंटिंग इनटू मी. इन दैट मोमेंट आई डिड रियलाइज दैट कि चलो वी हैव डन अ गुड जॉब, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. 15-20 मिनट बाद मैं रोने लग गई. ऑल दोस इमोशंस वर कमिंग आउट एंड मॉम एंड डैड वर तुरंत लाइक ब्रो तू साइड पे गाड़ी पार्क कर, डैड हैज टू ड्राइव, वी कांट लेट यू ड्राइव व्हेन यू आर इमोशनल, व्हिच वाज राइट. लिटरली 15 मिनट बाद आया घाट एंड घाट पे ऑलरेडी 7-8 एक्सीडेंट्स हो चुके थे वो दिन. मैं मेंटली तो रेडी नहीं हूं ड्राइव करने के लिए, इसलिए मैं पीछे आ गई. डैड इज बैक ऑन द ड्राइविंग सीट. They're saying it is first time that you take it on such a road. लेकिन थोड़ा है, I'm still not ready. There has been one more accident on the घाट. 5-6 गाड़ियाँ involved है. Police भी आई है ये वाले में तो. So I'm thinking कि अच्छा हुआ I'm not taking on this road. क्या पता अगर it could have been worse. छोटे में हो गया. And I'm going to just calm down थोड़े time. Thank goodness dad just took it at the ghat because I was not on my normal equilibrium state of mind. So it was just better for someone so experienced like him to drive. I have a few clips to show you. Now thankfully car में कोई भी engine का light flash नहीं हुआ, कुछ भी warning flash नहीं हुआ. We sent photos to Toyota customer care because our car is Toyota Altis. They said it's good to go to Nashik because Nashik में बहुत बड़ा service factory है. And will you believe it was literally 3 minutes from our hotel. We went there, we gave the car, they temporarily helped us fix it. Right now we've come to the garage. Toyota का ही garage है and you won't believe it's just 400 meters from where we're staying. We're just like ये सब दाई का करा धरा है because Shirdi is right here and we all have been watching Sai a lot. The garage person is coming. The dicky is not opening, तो हमारा सारा सामान dicky में. तो first just we want that to be fixed and then as long as we're here, हम car को garage में रखना चाहते हैं to see के is it in a condition good enough to take it back home. आगे की तरफ से बोनेट में डैमेज ये पार्ट हुआ है जो अभी टेम्पररी हम लोग कर रहे हैं, बाद में बॉम्बे जाके वहाँ पे शोरूम में अच्छे से करवाना पड़ेगा. On the way back, मैंने डैड को चलानी दी. He was constantly like beep 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 because the dicky was open. Dicky को हमने रस्सी से बांध रखा था and the tail lights were broken. So the tail lights was a major reason because you need to be able to tell other people कि आप कौन से direction में जा रहे हो, वरना तो और accident हो सकता है. Then after we came, the car was away for a month. I am more sad because पापा के पास थी espresso एक महीने के लिए. Now the car is back और आते से ही बेचारी वापस एक दरवाजे में ठुक गई. मैं नहीं चला रही थी, पापा भी नहीं चला रहे थे, दूसरे को अंदर चला रहे थे. तो लगता है ऑल्टिस की नजर ही लग गई है. अभी वो हम ठीक नहीं करा रहे हैं, लाइक चलो वो नजर के टीके के तौर पे रहने दो वो डेंट, क्योंकि पापा अपनी गाड़ियां बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं. मॉम हैज दिस रनिंग जोक वेयर मम्मी से ज्यादा गाड़ी पार्लर जाती. पार्लर मतलब क्या, सर्विस स्टेशन. डैड मेंटेन्स दिस कार मोर देन हिज वाइफ, बट दिस वाज द बिगेस्ट एक्सीडेंट ऑफ माय लाइफ. व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस इज दैट यू शुडंट ब्लेम योरसेल्फ, व्हिच वी डिडंट, एंड व्हाट आई कुड हैव डन बेटर प्रोबेबली बी अ लिटिल मोर अटेंटिव. वन थिंग दैट कुड हैव हैपेंड वाज इफ आई वाज क्विक इनफ एंड सीन के लेफ्ट लेन में कोई गाड़ी है कि नहीं, मैं तुरंत लेन चेंज कर सकती. So that would have probably saved the situation a little bit more. I'm not only driving, my relatives are worried कि हेली का first time destination drive था and accident हो गया तो क्या वो driving छोड़ देगी. तो no, मैंने नहीं छोड़ना. We will continue doing this. So this was a story time. बहुत time बाद एक story time आया, but कुछ होना भी तो चाहिए ना कि मैं आपको इसे story बताऊँ. But if you enjoyed watching the story time, give it a thumbs up and subscribe to our channel for future story times. And if you did not enjoy watching the story time, pin that, give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.